बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज है। इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज में हम मैगजीम्स ऑफ इक्विटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज जो हम लीगल मैगजीम डिस्कस करेंगे वो है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम, कि इक्विटी जो है वो एक्ट करती है अगेंस्ट स्पेसिफिक persons, against the specific individual। अब वो कैसे against specific individual act करती है, let's discuss। सबसे पहले कहता है it is the nature of equitable remedies that they generally operate against the person of the defendant। ये एक natural equitable remedy है जो against पर्टिकुलर पर्सन एक्ट करती है, अगेंस्ट पर्टिकुलर डिफेंडेंट एक्ट करती है। कैसे करती है आगे पढ़ते हैं। जजमेंट इज मेड अगेंस्ट इंडिविजुअल, जो भी इक्विटी इन पर्सनम एक्ट करती है वो अगेंस्ट इंडिविजुअल वो जजमेंट दी जाती है। कोई भी जज या जो भी चांसलर होता है अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल वो जजमेंट अपना फैसला अपना ऑर्डर देता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्विटेबल मैगजीम। आगे बढ़ते हैं, क्या है दिस मैगजीम कम्स इन हैंडी विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टीज हेल्ड एब्रॉड। ये जो मैगजीम है वो खास करके स्पेशली जो है वो किस चीज़ के लिए, वो इस चीज़ के लिए जो भी आपकी प्रॉपर्टीज एब्रॉड हैं उस चीज़ के लिए ये मैगजीम जो है बहुत करामत साबित होता है, उस चीज़ के लिए ये मैगजीम यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, आपकी प्रॉपर्टी यूके में है या यूएसए में है पर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जो आपका डिफेंडेंट है वो भी पाकिस्तान का है, आप उसके अगेंस्ट केस करते हैं। अब उसके पास ये रेमेडी नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है हमारी यूएसए में है या यूके में है या किसी और कंट्री में है तो केस पाकिस्तान में क्यों चल रहा है। जब ऐसा कोई सवाल डिफेंडेंट करेगा तो कोर्ट कहेगी या आपका काउंसिल कहेगा, आपका एडवोकेट कहेगा इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम, इक्विटी जो है अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन काम करती है, एक्ट करती है, वो उसका जुरिसडिक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी जो है इंग्लैंड में हो, यूके में है या किसी और कंट्री में है। इसी नुक्ता नज़र पर ये एक पॉइंट है, दिस मैगजीन कम्स इन हैंडी विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज हेल्ड एब्रॉड। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक केस लॉ है जो कि बहुत फेमस केस लॉ है, पेन वर्सेस लॉर्ड बाल्टीमोर। अब पेन वर्सेस लॉर्ड बाल्टीमोर में चांसलर क्या ऑर्डर करता है, जज क्या ऑर्डर करता है, लेट्स डिस्कस। एन ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ग्रांट किया गया था। कौन सा ऑर्डर ग्रांट किया गया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। हु ब्रॉट अ बाउंड्री डिस्प्यूट केस टू एन इंग्लिश कोर्ट, येट द लैंड वाज इन मैरीलैंड इन द यूएसए। एक बाउंड्री डिस्प्यूट केस, एक प्रॉपर्टी का केस इंग्लिश कोर्ट में लेके आया, यूके की कोर्ट में लेके आया, ब्रिटिश कोर्ट में लेके आया, जो कि प्रॉपर्टी मैरीलैंड यूएसए में थी। अब उसमें कोर्ट ने क्या किया, द पार्टीज टू द डिस्प्यूट वर इंग्लिश एंड बोथ लिव्ड इन इंग्लैंड। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया कि जो दोनों पार्टीज थी वो कहाँ रह रही थी, इंग्लैंड में रह रही थी, वो ब्रिटिश थी, इंग्लिश पार्टीज थी, भले ही उनकी प्रॉपर्टी मैरीलैंड यूएसए में थी बट द पार्टीज वर इंग्लिश एंड रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड, दैट वाई द केस प्रोसीडेड इन द इंग्लैंड यूके। इक्विटी कैन मेक ऑर्डर अफेक्टिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इट्स जुरिसडिक्शन बाय मेकिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट द पर्सन ऑफ द डिफेंडेंट इन द जुरिसडिक्शन। इसमें यही बात है कि इक्विटी जो है वो एक्ट करती है, भले ही वो प्रॉपर्टी आपके जुरिसडिक्शन में ना हो, वो कोर्ट एक्ट कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, जबकि आप
कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में होना लाजमी है, जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में होना लाजमी है, भले ही प्रॉपर्टी कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में हो या ना हो। यहाँ तक जो हमारा इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम लीगल मैगजीन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन है, जो कि प्रॉपर्टी केसेस में, सिविल केसेस में अक्सर यूज़ होता है, पाकिस्तान में भी यूज़ होता है, यूके में भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि कॉलोनाइज थी बाय द यूके, इस इक्विटेबल मैगजीन को मानती है। यहाँ तक आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।